धीरे धीरे बोलिए हनुमान। बच्चों देखो, तुम लोग विज्ञान के क्षेत्र से देखे हो कि दिन और रात होते हैं ना? तो दिन रात होने का कारण क्या है? ये दिन रात होने का कारण है पृथ्वी का दैनिक गति, यानी उसमें अपने आप में घूर्णन करना। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, ऐसे इसका सही समय है 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड, लेकिन 24 घंटे हम लोग मुख्य रूप में मापते हैं। और दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। ये जो तुम देख रहे हो, ये साइंस का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में डे और नाइट है। अगर सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर शायद 23 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर झुकने के कारण अगर हम इसे देखें, जैसे कि इस प्रकाश को देख रहे हो, ये पृथ्वी का भाग जितना इस पे प्रकाश पड़ रहा है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा कर रही है, ये सूर्य की भी परिक्रमा करती है, लेकिन अक्ष पे परिक्रमा कारण जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जितने भाग में पड़ता है उसी अनुसार इस पृथ्वी में दिन होता जाता है। यदि अभी हमारा भारत सूर्य के प्रकाश के तप है तो यहाँ पर दिन होगा, जबकि इसके विपरीत रात होगी। फिर धीरे धीरे वो घूमता है, घूमते घूमते उसका ये भाग जो पड़ रहा है ये रात, और सूर्य का जो ये भाग पड़ रहा है इसमें ये दिन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए दिन रात बनाती है, जो सूर्य के दैनिक गति के कारण होता है। ये भी विज्ञान द्वारा पता किया गया, विज्ञान इसको बताया गया कि दिन रात कैसे होता है, इसका ये सही उत्तर।